प्रतीक्षा मेश्राम और आप देख रहे हैं डॉली डॉक्स चैनल। आप सोच रहे होंगे कि चैनल तो डॉली का है, प्रतीक्षा क्या कर रही है, तो मैं आपको बता दूं डॉली क्या कर रही है। उसके पहले अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसकी साइड में दिए गए घंटा यानी बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए। मैं आपको दिखाती हूँ जो इस चैनल की ओनर है वो क्या कर रही है। सो आइए मेरे साथ, ये देखिए। हे फ्रेंड्स, आज मैम तैयारी में बिजी है और हम रेडी होकर तैयार हैं। आज ब्लॉगिंग के स्टार्ट की है मेरी सिस्टर ने और एंड में करूंगी, तो आप मत समझना कि आप ब्लॉगिंग किसने की, ये मेरी सिस्टर है छोटी वाली। यस, तो आपने देख लिया है, तो मैं अभी आपको बता दूँ कि हम सुबह से 4 बजे से उठे हुए हैं और मैडम ने इतना टाइम कर दिया है कि अभी 7 बज चुके हैं और हम अब तक रेडी नहीं हैं और हम अभी जा रहे हैं झिल्पी। मैं आपको लेके जाऊँगी झिल्पी लेक, जो यहाँ से नागपुर से 44 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा। आप देखना ना भूलिए, अगर आपको जाना है, आप नागपुर के हो तो रियली आप वहाँ जाके देखिएगा। हम भी आज उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो फर्स्ट टाइम भी जा रहे हैं, तो मैं आपको इतना भी नहीं बता सकती, मैंने दूसरों के वीडियो देख देख के बताया है। तो आप ब्लॉग में बने रहिए। ये हमारा हाउस नहीं है, हमारी रूम है, हम नागपुर में रूम करके रहते हैं, दैट्स व्हाई। तीनों सिस्टर रहते हैं, तीनों सिस्टर ही हम साथ में जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आखिर तक बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगे, बहुत से एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे, बहुत से हम जो खुराफाती काम करते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो बनी रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। सो है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे हम रेडी हो चुके हैं और हम ये सब गुंडे लोग भरे पड़े यहाँ पे, और अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे हमारे रूम है, अभी हम निकलने के लिए रेडी। डायरेक्ट आपको लोकेशन पे मिलते हैं, तो ठीक है, लोकेशन पर ही आधे रास्ते पे भी मिलेंगे हम, ठीक है। चलिए फिर फ्रेंड्स, हम यहाँ निकल गए हैं, हम यहाँ तिरंगा चौक पे खड़े हैं, मेरे फ्रेंड्स की मीट कर रहे हैं, देख सकते हैं ये भूत बंगला, ये दो भूत बंगले हमारे साथ है। आई एम नॉट भूत बंगला। तो अभी हम यहाँ मेरे फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, अभी तो 8 बज चुके, 8 जाना कब था हमें, 5 बजे, हम 8 बजे निकल रहे हैं, देख रहे हो आप। अभी वो आएंगा फिर हम जाएंगे, हम सोच रहे कुछ नाश्ता चाय वगैरह ले लें, अभी वो सब करके हम आगे बढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। यो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए लोकेशन पे, मैं आपको दिखा दूं लोकेशन, हो गए ना खुश, इतना अच्छा लोकेशन देख के हम भी बेहद खुश हो गए हैं। हम इतने लोग देख सकते हैं, गरीब जैसे यहाँ सब खड़े हुए हैं, गरीब लोग ही बोल सकते हो। मैं आपको और दिखाती हूँ, चला ना दिखा पहले, आप तो देख लो ये व्यू, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है, ये एकदम नेचर की बाहू में आए जैसे लग रहा है। हम आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, ब्लॉग के साथ बनी रहिए, देखते रहिए। देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच गए हैं मेन लोकेशन पे, आपको क्या ही बताओ, इतना भारी लोकेशन है ना, आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से मेन लोकेशन। फ्रेंड्स,
फाइनली पहुंच गए लेक के पास। यार सही में व्यू इतना प्यारा है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। देख लीजिए मेरे पीछे ये जो पहाड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी ये प्लेस, आइए और देखिए। फैमिली पिकनिक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वाह गाइस, बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से। यार सच में अगर आपको लॉकडाउन के बाद कहीं अच्छी जगह जाना है तो आप ऐसे नेचर, जैसे ये हो गया, अभी बहुत सारे ऐसे प्लेस है जो जंगल एरिया में हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बट हाइड है, जो पता नहीं रहता किसी को, ऐसे प्लेस में जाइए। ये देख सकते हैं हमारी गरीब गैंग, इसे कहते हैं गरीब गैंग। यो देखो गरीब गैंग को यो बोला तो यो भी बोल देते हैं ये लोग। यही तो फायदा रहता है इन लोगों के साथ आने का, समझे आप। सो अभी मैं इनकी दो चार पिक्स खींचूंगी, उसके बाद फिर से ब्लॉग में आ जाऊंगी। मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये प्लेस कितना, नागपुर से कितना दूर है। तो मैंने बताया था शायद स्टार्टिंग में 44 किलोमीटर से हिंगना रोड से सीधा 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 ही आना पड़ता है, इसमें कहीं और पलटने की ज़रूरत नहीं है। वो छोड़िए और ये नज़ारे देखिए, हम अभी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। सच में जो ऐसा ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना है पर थोड़ा सा नीचे जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि अभी इतने दूर से भाई आए यहाँ पे और कुछ इन्जॉय नहीं किया, तो क्या मज़ा यार, है ना। आप भी करना चाहोगे ना इंजॉय, अगर नहीं भी आ रहे हो तो देख के ही इंजॉय करना, बस लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और प्लीज़ डिमोटिवेट कमेंट मत करना। मैं अच्छा नहीं लगता जी, छूट जाती है बात, अब समझा करो ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो जो मैडम है वो हमारी चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैम हाय कर दो आप जरा व्लॉग में, थोड़ा बहुत बातें भी कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ। आइए यहाँ पे आने के बाद बहुत ही फ्रेश फील होता है, बट आप मॉर्निंग के टाइम में आना, सुबह सुबह मतलब 5 बजे निकलना। भाई बताओ कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, जिनको हमने 4 बजे उठाया वो उठे 6 बजे, आपको कितना ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और फ्रेंड के साथ नेचर, आई मीन नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो यहाँ पे, जो आप सिटी में नहीं देख पाते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना। ये मेरी टेंशन में ये मेरी दो सिस्टर्स है, ये बिग सिस्टर एंड ये छोटी, सबसे छोटी तो मैं हूँ पर सबसे बड़ी मैं ही लगती हूँ, ये सबकी गलत फहमी है बट मैं सबसे छोटी हूँ। देख सकते हो इतना अच्छा व्यू, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया। अभी आपकी पसंद का तो पता नहीं मुझे कि आपको पसंद आया कि नहीं। सुना है यहाँ पे शेर भी आते हैं रात के टाइम। बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अभी ना आए, अभी हमें घर भी जाना है भाई। बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है, वहाँ देख सकते हो आप दो कपल बैठे, देख सकते हो उन्हें भी बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आप भी मजे कीजिए, एंजॉय द व्लॉग। तो गाइस बहुत बहुत मजा आ रहा है, ये लोग सब पीछे हैं बट बहुत मजा, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। और एक तो फर्स्ट टाइम और इतने लॉकडाउन के बाद पहली बार हम यहाँ अंदर आ रहे, बाहर आ रहे हैं, ये बहुत चेंगड़ी कर रहे हैं, पीछे ब्लॉग भी नहीं बना कितने दे रहे हैं अच्छे से। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, एकदम जंगल के बीच, बहुत ही अच्छा। एक तो लेक है यहाँ पे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ किसी के भी साथ आ सकते हो, पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा पिकनिक स्पॉट है सच में। अरे इतना तो चल रहे हैं हम, सब चल रहे हैं, चलते चलते आगे बढ़ेंगे और व्यू दिखाते जाएंगे आपको कि कितने प्यारे प्यारे व्यू है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे व्यू हैं। जिसे देख के आप
लोग भी हैरान हो जाएंगे। बट आप एक बार तो आइए, आप एक बार। फ्रेंड्स हम इतना चल के आ गए, आप देख सकते हैं हम वहाँ थे, वहाँ गाड़ी पार्क की हमने और अभी यहाँ पे चल के आए हैं। और आगे जाना है हमें, हमें जो वो लोकेशन है आपको दिख रही होंगी वहाँ से, मैं जूम करके बताती हूँ आपको, जो ये है यहाँ पे जाना है हमें, क्योंकि वहाँ का बहुत नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। वहाँ पे बहुत सारी रील्स बनानी है, बहुत सारी फ़ोटो सेशन करना है, तो मिलते हैं वहाँ जाने के बाद। बैक टू व्लॉग गाइज, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची है हमने तो, बस अभी तक अभी 10 बज चुके हैं और अभी हमने सिर्फ इतना ही एरिया एक्सप्लोर किया है, अभी और घूमने जाना बाकी है। अभी हम यहाँ से जाएंगे इसके अपोजिट साइड, वहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, कुछ रील्स बनाएंगे। मैं आपके आपको वो रील्स दिखा दूँगी, फ़ोटोज़ दिखा दूँगी, आप देख लेना। और मैंने इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना, प्रतीक्षा मेश्राम करके, ठीक है। अभी हम यहाँ से वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत नज़ारे का मज़ा लेंगे, उसके बाद यहाँ से 1.5 किलोमीटर झिल्पी वाटरफॉल है, तो हम वहाँ पे भी जाके देखेंगे। वो भी बहुत अंदर है, मतलब जैसे जंगल के अंदर ही है, बहुत ही प्यारा है बोलते वो भी। अभी जाके देख के पता चलेगा, अभी नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। जो हम मैंने स्विट्ज़रलैंड गए थे, जो कहाँ पे है, मैंने स्विट्ज़रलैंड डलहौजी के पास, तो वहाँ का जो नज़ारा था ना, बिल्कुल उसी की याद आ रही है मुझे, रियल। और अभी आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड, ये जंगल का रोड है, क्या है झिल्पी वाटरफॉल, क्या हम जा रहे हैं अंदर, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रोड है, कितना अच्छा सीन है। तो अभी आपको वहाँ वाटरफॉल में पहुँचने के बाद आपको लोकेशन दिखाऊंगी। हम पहुंच गए हैं झिल्पी वाटरफॉल और यहाँ का जो नज़ारा देखा है ना भाई, सच में हिमाचल की याद आ गई हमें, सच में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हिमाचल। यहाँ का मैं आपको अभी बाहरी व्यू, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्यू दिखाती हूँ, पहले आप मेरे पीछे का देख लीजिए। सच में यार मुझे तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का, कि मैं यहाँ क्यों आई, किस लिए आई, बिल्कुल भी नहीं। मस्त है यार, आप आइए एक बार, ज़रूर देखिए ज़रूर। फिसल जाओगी बेटा, ये पॉलिथीन सारी गंदगी करके रख देते अपने लोग ही। ये जो ग्रीनरी देख रहे हो ना आप, पूरी सीनरी लग रही, पूरी सीनरी से कम नहीं लग रहा ये व्यू। आप सच में यार, अगर आप नागपुर में रहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है ये, आप आके एक बार ज़रूर देखिए, ज़रूर ज़रूर आइए। यहाँ कुछ लोग नहा भी रहे हैं, मतलब आप नहा भी सकते हो यहाँ पे, क्योंकि है यहाँ वो देख सकते हैं फॉरेनर भी है यहाँ पे, देखिए दिखा, पता नहीं वो फॉरेनर है या अपना इंडियन ही है, अपनी इंडियन की स्किन अभी ऐसी छोड़ रही है। अभी मेन व्यू दिखाती हूँ मैं आपको वाटरफॉल का। प्यारा, मेरे को तो इतना पसंद आ रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है अभी नहाने जाओ, बट हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम नहा के आ गए हैं यहाँ पे, पता नहीं था ना हमें उतना। तो यार देख सकते हो आप यहाँ पे सब नहा रहे हैं, पर हमने गलती कर दी नहाने के बाद आ गए हम, देख सकते हैं। मैं तो यहीं पे नहाती भाई, अगर मैं नहा के नहीं आती सच में। हाँ
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हुआ था हमारा मोबाइल स्विच ऑफ, तो इस वजह से हम आगे की क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट मोबाइल स्विच ऑफ होने के पहले ये कुछ स्लोमो और पिक्स ली थी, वो हमने रिकॉर्ड कर लिए थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ ताकि आपको वो दिख सके, आप देख सके वो प्लेस और कैसा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो। मैं ब्लॉग का एंड करना ही भूल गई थी क्योंकि वहाँ से हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे हमारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, इसकी वजह से मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया। अभी घर में आने के बाद मैं अभी ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, और लाइक शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।